आजादी का अमृत महोत्सव हर पल देश की आजादी के लिए जीने वाले, आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले अनगिनत वीर वीरांगनाओं को नमन करने का उत्सव है। भारत ने सदियों तक मातृभूमि, संस्कृति और आजादी के लिए लंबा संघर्ष किया। भारत के हर कोने में संघर्ष के अनगिनत पुरोधाओं ने आजादी की अलख जगाई। ऐसे सभी पुरोधाओं को, जिनका नाम भी शायद इतिहास के तारीख में शामिल नहीं हो पाया, कृतज्ञ देश अमृत महोत्सव में स्मरण कर रहा है। इसी कड़ी में एक अहम कदम है क्रांति गाथा संग्रहालय, जिसके जरिए महाराष्ट्र में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी अनेक वीर वीरांगनाओं के त्याग और बलिदान की यश गाथा को देश की युवा पीढ़ियों के लिए सहेजा गया है। क्रांति गाथा संग्रहालय महाराष्ट्र राजभवन में स्थित एक ब्रिटिश कालीन भूमिगत बंकर का जीर्णोद्धार करके बनाया गया है। 15,000 स्क्वायर फीट में फैले इस बंकर का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार कभी युद्ध उपकरण और गोला बारूद के भंडार के लिए करती थी। 2016 में एक अन्वेषण में इस बंकर का पता चला, जिसे आज एक अनूठे संग्रहालय का रूप दिया गया है। यहाँ दर्ज है ऐसे बलिदानियों और आजादी के दीवानों की शौर्य गाथाएं, जो दुर्भाग्यवश इतिहास के पन्नों में कहीं लुप्त हो गई। मराठा साम्राज्य की स्थापना करके हिंदवी स्वराज का नारा देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। 1857 में भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कुछ ही दशकों के बाद वासुदेव बलवंत फड़के और चाफेकर बंधु जैसे वीरों ने सशस्त्र क्रांति का परचम महाराष्ट्र में लहराया। लोकमान्य तिलक ने धार्मिक और ऐतिहासिक प्रतीकों द्वारा देशवासियों में राष्ट्र भक्ति की भावना को मजबूत किया। विनायक दामोदर सावरकर और उनके बड़े भाई बाबा राव सावरकर ने असंख्य युवाओं के साथ देश की पहली संगठित गुप्त संस्था अभिनव भारत बनाई। अनुशीलन समिति और युगांतर जैसी गुप्त संस्थाओं के साथ मिलकर अभिनव भारत ने उपनिवेशवाद पर कड़ा प्रहार किया। विदेशी कपड़ों का देश में सबसे पहला होलिका दहन तिलक के नेतृत्व में वीर सावरकर ने 1905 में पुणे में आयोजित किया। सावरकर की उच्च शिक्षा के लिए लंदन जाने पर अभिनव भारत की शाखाएं यूरोप में भी फैली। मुंबई की मैडम भिगाजी कामा ने 1907 में जर्मनी की अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारत का ध्वज लहराया। श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, बीवीएस अय्यर, लाला हरदयाल जैसे अनेक वीरों के साथ मिलकर सावरकर ने सशस्त्र क्रांति का विस्तार किया। मदन लाल ढींगरा और अनंत लक्ष्मण कान्हेरे जैसे युवाओं ने प्रमुख अंग्रेज अधिकारियों की हत्याएं की। बौखलाकर दमनकारी शासन ने अभिनव भारत पर अपना शिकंजा कसा। क्रांतिकारियों को असहनीय यातना झेलने के लिए काला पानी की सजा दे दी गई। प्रथम विश्व युद्ध के समय जब गदर पार्टी का गठन हुआ, तो उसमें महाराष्ट्र के वीर विष्णु गणेश पिंगले और डॉक्टर पांडुरंग खान खोजे जैसे लोग उत्साह से शामिल हुए। 1930 के दशक में भगत सिंह और उनकी संस्था के साथ जुड़कर शिवराम राजगुरु और विश्वनाथ वैशंपायन ने साहस के नए अध्याय लिखे। राजगुरु को भगत सिंह और सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। वासुदेव बलवंत गोगटे ने अंग्रेज अफसर को मारने की कोशिश की। लगातार जारी क्रांतिकारी प्रयासों के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की वीरता और मुंबई में 1946 की नौसेना विद्रोह का शौर्य सामने आया। आजादी के अनगिनत दीवानों के पराक्रम के सामने साम्राज्यवादी सोच आखिरकार बेबस हुई और भारत सन 1947 में आजाद हुआ। क्रांति गाथा संग्रहालय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को संरक्षित करने के लिए एक तीर्थ स्थल से कम नहीं है। आज जब देश महान व्यक्तित्वों के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण के संकल्पों की सिद्धि के लिए तेज गति से बढ़ रहा है,
तो क्रांति गाथा जैसी पहल हर देशवासी को गर्व से भर देती है। जय हिंद।